हम लोग इस समय NDRF की टीम के साथ हैं और वो लोग जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रही है, जूली और रोमियो स्निफर डॉग स्क्वाड का हिस्सा है और यहाँ पर जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर, जूली और रोमियो की भूमिका के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कल जो इन्होंने रेस्क्यू किया है तो हमने इंडिकेट सोचा कि जिंदा नहीं आता। उसके बाद तो मतलब ऐसा हो रहा था कि जहाँ भी लोगों को डाउट है, ऐसे वाइट स्पेस दिख रहे थे, तभी के सभी तब भी स्कूल का डाउन हो रहा है, सबको जूली का नाम भी याद आ रहा। जूली का नाम, ये जूली है और जूली का नाम यहाँ सबको इसलिए याद आ रहा है रोमियो के साथ क्योंकि जूली ने ही उस 6 साल की बच्ची को सूंघ कर ये आभास लगाया। और क्या नाम है आपका, कैसे जूली ने ये किया? मेरा नाम कंट्रोल किशन कुमार सेकेंड NDRF। पहले उस दिन मैं गाँव को छोड़ा था जूती के साथ ही लाइफ, तो उसके बाद मैंने दोबारा डॉग उसने डॉग को छोड़ा कन्फर्मेशन के लिए, कन्फर्मेशन भी कन्फर्म किया इसने। उसके बाद मैंने अपने सीनियर कमांडर को बताया कि लाइफ छोड़ने की संभावना है। तो पहले जूली गई और फिर कुंदन इसको रोमियो को भेजा। पहली बार में जूलियो गई, उसके बाद में मैंने रोमियो को भेजा, रोमियो ने जाके कंफर्म किया कि यहाँ पे लाइव विक्टिम सेंट का इंडिकेशन दिया है। फिर हमने अगले आला अधिकारी को बताया, जाके उन्होंने फिर रेस्क्यू किया होगा। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग कंट्रीजन के, जहाँ उनको लगता है कि अगर लाइफ है तो वो जूली और रोमियो को तलाशते रहते हैं।